हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ओडीएक्स के जो इंडिकेटर्स है उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें हम एक एक करके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आएंगे जिसमें हर एक इंडिकेटर के बारे में डिटेल में उसके जो सेटिंग्स है उसको कैसे रीड करना है उसको समझेंगे। यहाँ पर मेरा जो फोकस है वो एक्सप्लेनेशन पे कम है कि डेटा को कैसे रीड करना है, रेदर देन हम इसकी सेटिंग्स और इसको कैसे अप्लाई करना है इसकी सारी सेटिंग्स के ऊपर ज्यादातर फोकस करेंगे। तो पहला जो इंडिकेटर है जिसपे हम बात कर रहे हैं वो है कस्टम ओआई प्रोफाइल। अब आप सभी ने ओआई यूज किया रहेगा, ओपन इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप सभी लोग टोटल ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करते होंगे, राइट। तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वही ओपन इंटरेस्ट आपको एवरी डे जो फ्रेश ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता है जो मॉर्निंग से, ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि चेंज इन हुआ है इंट्राडे वाइज, लेकिन इंट्राडे वाइज उसका अगर आपको डेटा मिलने लगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा कि कैंडल बाय कैंडल क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कस्टम ओआई प्रोफाइल लगाया, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, बट आप देखो ये जो प्रोफाइल है वो क्या करता है, दो प्रोफाइल से, ठीक है, एक ये प्रोफाइल है, एक ये प्रोफाइल है। जो पोजिशन वन, इसको पोजिशन वन बोलते हैं, पोजीशन वन पे सिलेक्टेड कैंडल है, पोजीशन टू पे कस्टम रेंज है। तो पहले सिलेक्टेड कैंडल और इस डेटा को समझते हैं। तो ऊपर आपको दिख रहा रहेगा कॉल है और पुट है, तो ये कॉल का डेटा है, ये पुट का डेटा है। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉल का डेटा है, पुट का डेटा है और बीच में स्ट्राइक्स है, राइट। तो अब ये डेटा क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, मतलब क्या क्या चीजें बता रहा है। जब मैं इसको फर्स्ट कैंडल पे क्लिक करता हूँ ना, फर्स्ट कैंडल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये इसने डेटा पॉइंट अभी चेंज कर लिया, तो फर्स्ट कैंडल के हिसाब से बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि जो मार्केट ओपन हुई और मार्केट ओपन होने के बाद ओआई का डेटा एवरी 3 मिनट्स में आता है, तो मार्केट ओपन होने के बाद जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा आता है ना एनएससी से, वो डेटा आपको बता रहा है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत छोटा नंबर है, यस, क्योंकि ये सिर्फ उस जो मार्केट में उस वक्त जो डेटा आया ना, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट नहीं है, उस लास्ट जो डेटा आया, ठीक है, लास्ट अभी हमने 5 मिनट रखा हुआ है, पर डेटा जो हर 3 मिनट में अपडेट होता है, तो जो उस 3 मिनट के अंदर जो डेटा आया था, ओके, वो ये बता रहा है क्या डेटा है, कहीं पर कवरिंग हो रही है, कहीं पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है, कॉल में भी पुट में भी। तो ये जो नेगेटिव डेटा है ये आपको बता दें कि कवरिंग हो रही है, अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, जैसे कॉल में अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, पुट में अगर बिल्डअप हो रहा है तो पॉजिटिव नंबर देगा, अदरवाइज अगर कवरिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि जो राइटर्स अपनी पोजीशंस कवर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव देगा, ओके। हर स्ट्राइक पे कवरिंग हो रही है या बिल्डअप हो रहा है वो आपको पता चल रहा है। जब मैं सेकंड कैंडल पे क्लिक करता हूँ तो फिर आप देख सकते हो डेटा उस लास्ट जो 5 मिनट के उसके हिसाब से बता रहा है। फिर मैं थर्ड कैंडल पे क्लिक करता हूँ उसके हिसाब से बता रहा है। तो ये जो कैंडल है इसका क्या नाम है, सिलेक्टेड कैंडल, ठीक है, ये कौन सा इंडिकेटर है, कस्टम ओआई प्रोफाइल, ओआई प्रोफाइल जो ओपन इंटरेस्ट के प्रोफाइल्स है इसको कस्टम ओआई प्रोफाइल बोलते हैं। लेकिन पोजीशन वन पे इस वक्त है सिलेक्टेड कैंडल, सिलेक्टेड कैंडल यानी जिस कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ उस 5 मिनट में जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है उस 5 मिनट में उसका डेटा पोजीशन वन पे पता चल रहा है, ठीक है, पोजीशन वन पे सिलेक्टेड कैंडल। पोजीशन टू पे कस्टम रेंज, कस्टम रेंज, अब इसका नाम रेंज से आपको पता चल रहा है कि रेंज मतलब ए और बी पॉइंट होगा, ये ए से बी पॉइंट का रेंज बताता होगा, तो आपने सही समझा कि 915 ये फिक्स पॉइंट है, 915 जो है फिक्स है, आप जहां पर भी क्लिक करोगे, ठीक है, ये बताएगा कि ओपन इंटरेस्ट वहां से यहां तक। अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ इस कैंडल पे, ये कौन सी कैंडल है, इस कैंडल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये है 10:05 की, तो 9:15 से 10:05 में कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है या कवरिंग हुई है हर स्ट्राइक पे, तो वो आप यहां पर देख सकते हो कस्टम रेंज के अंदर। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस पे बिल्ड हुआ है, 46,000 पे, 71,000 लॉट्स ऑलमोस्ट बिल्ड हुए हैं निफ्टी बैंक पे, ओके, निफ्टी बैंक में। और पुट में भी बिल्डअप हुआ है, पुट में कितना, 36,000, ओके, 36,000। तो ये टोटल ओवरऑल बिल्डिंग जितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। जैसे अब मैं उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो अभी ये 70 से कम होके 50 हो गया, यानी कि 20,000 इसमें कवरिंग हो गई। और यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट था जब मैंने 10:05 पे क्लिक किया तो 36,000 था, जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये 40,000 हो गया, यानी कि इतना ओपन इंटरेस्ट, जो भी 4-5 हज़ार ओपन इंटरेस्ट है
लॉट्स में वो बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी स्पाइक वाली कैंडल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी कवरिंग भी हुई होगी और ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस हुए होंगे, तो इस पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और अब इसका डेटा आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये कॉल में कवरिंग दिख रही है। कॉल में क्यों कवरिंग दिख रही है? क्योंकि जैसे मार्केट ऊपर आ रहा है तो कॉल राइटर्स को लॉस होगा। तो ये देखो, ये एट द मनी का है, ये इन द मनी के हैं, तो ये सारे कवर हो रहे हैं, ओके। और जो पुट है, पुट में देखो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है 2000। और ये ओवरऑल पिक्चर है, ओवरऑल पिक्चर यानी कि टोटल अभी क्या ओपन इंटरेस्ट है यहाँ तक। तो अगर मैं क्लिक करूँ तो 9:15 से लेके अभी तक जो नेट इंट्राडे चेंज, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो नेट इंट्राडे, कॉल नेट चेंज भी बोला जाता है, नेट चेंज वर्ड यूज किया जाता है, नेट चेंज ओपन इंटरेस्ट में वो कितना है, 45,000 लगभग ऑलमोस्ट कॉल पे है, और 41,000 जो है ऑलमोस्ट पुट पे है, 46,000 के स्ट्राइक पे। तो इस तरीके से इस डेटा को रीड किया जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत छोटा है, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत रेयर डे था, सैटरडे जिस दिन मार्केट ओपन था, और क्योंकि मंडे को छुट्टी थी, ठीक है, तो इस वजह से ये ओपन इंटरेस्ट के जो नंबर्स है वो छोटे। अब आइए इनकी सेटिंग्स को भी एक बार समझ लेते हैं कि इनकी सेटिंग्स को कैसे आप देख सकते हो। तो इसकी जब मैं सेटिंग पे जाता हूँ, तो सेटिंग्स का जो है बड़ा सा एक सेटिंग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें करने को, ये देखो अंडरलायर दिया हुआ है। सबसे पहले तो अंडरलायर पे या फोकस कीजिए कि अंडरलायर आपको क्यों दिया गया है। अगर आप समझो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा, अगर अभी तो स्पॉट के चार्ट पे देखो, निफ्टी बैंक स्पॉट का चार्ट है, ठीक है, ट्रू डेटा का डेटा सिंबल है ये। अब ट्रू यहाँ पर जो है स्पॉट का चार्ट है, बट अगर मुझे फ्यूचर पे ओआई का डेटा लगाना है तो क्या मैं लगा सकता हूँ? यस, फ्यूचर का सिंबल पे, फ्यूचर के सिंबल पे मैं इस इंडिकेटर को लगाऊंगा और अंडरलायर जो है स्पॉट चूज करूंगा, ठीक है। तो अंडरलायर देखो यहाँ पे चूज करने का आपको ऑप्शन है, तो आप अंडरलायर यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर नंबर ऑफ स्ट्राइक्स, अब मुझे 12 स्ट्राइक्स देखने हैं, 4 स्ट्राइक्स देखने हैं, वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद एक्सपायरी डेट, क्योंकि आपको और कोई एक्सपायरी भी देखनी हो सकती है। फिर आप कॉल और पुट में जो इंक्रीज हो रहा है यानी बिल्डअप हो रहा है उसको आप देख सकते, कलर अपना सिलेक्ट कर सकते हो। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका भी कलर आप डिसाइड कर सकते हो, कुछ रैंडमली आप कुछ आपको कस्टम चेंजेस करने कलरिंग में आप कर सकते हो, डिफॉल्ट कलर्स को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर जो है यहाँ पर व्हाइट है, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, ठीक है, यानी कि आप व्हाइट बैकग्राउंड थीम यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को ब्लैक कर लेना, अदरवाइज व्हाइट इज डिसेंट। उसके बाद एब्रीवेट वैल्यूज, यानी कि आप अपने वैल्यूज को जो है एब्रीवेट करके देखना चाहते हो, विच इज बेटर। फिर स्टिक टू राइट करके एक चीज है, स्टिक टू राइट क्या होता है, जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये इंडिकेटर ना चिपक जाएगा राइट साइड में। अगर मैं इसको अभी हटाऊं, ठीक है, बंद कर दूं, तो देखो ये जो इंडिकेटर है ना वो फ्रेम के बाहर चला जा रहा है। बट वॉट इफ आई वॉन्ट दिस इंडिकेटर कि ये इंडिकेटर यहाँ पर ही स्टिक रहे, उसके लिए आप क्या करोगे, स्टिक टू राइट कर दोगे। स्टिक टू राइट करोगे तो ये इंडिकेटर यहाँ से जाएगा नहीं, आप कितना भी पीछे चले जाओ ये इंडिकेटर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर डेटा है तो आपको इंडिकेटर मिलता रहेगा, ओके। अगर डेटा नहीं है तो फिर वो नहीं दिखेगा, ओके, क्योंकि जो डेटा ऑफ ड्यूरेशन है डेटा का वो भी लिमिटेड है, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देख सकते हो कि शो इन्फो। अब ये जब मैं अपने कर्सर को स्ट्राइक्स पे लेके आता हूँ, तो ये जो सेम डेटा है वो स्ट्राइक पे भी दिखा रहा है। देखो 46,400 में कॉल नेट चेंज कितना है, कस्टम रेंज में और सिलेक्टेड, तो ये डेटा जो है डबल डबल टाइम हो रहा है। तो अभी आप इसको अगर नहीं देखना चाहते तो शो इन्फो को बंद कर देंगे, तो आपको डेटा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप कोई और इंडिकेटर भी लगा रहे हो तो उसका डेटा वैल्यूज ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये शो इन्फो करके है। उसके बाद शो स्ट्राइक्स, यानी कि अगर आपको स्ट्राइक ही नहीं देखने, ठीक है, आपने समझो स्ट्राइक्स आप नहीं देख रहे हो, उल्टा आप शो इन्फो देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको स्ट्राइक्स चले जाएंगे, आप सीधा यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको दोनों नहीं चाहिए तो आप दोनों भी नहीं देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम स्ट्राइक्स को इनेबल रखते हैं। उसके बाद पोजिशन 1, तो पोजिशन 1 का इंडिकेटर अगर मुझे देखना ही नहीं है, मान लो मैं सिर्फ पोजिशन 2 में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं पोजिशन 1 वाले को हटा सकता हूँ। देखो यहाँ पे शो पोजिशन 1 इंडिकेटर लिखा है, ये मैंने हटा दिया, अब मैंने इसको वापस इनेबल कर दिया। पोजीशन 2 इंडिकेटर अगर मुझे नहीं देखना है तो मैं पोजीशन 2 को हटा दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ पोजीशन 1 का इंडिकेटर है, ठीक है। अगर मुझे दोनों देखने हैं तो मैं दोनों इनेबल कर रहा हूँ। वॉट इफ अगर मुझे ये यहाँ पर देखना है और ये वाला यहाँ पर देखना है, यानी कि पोजीशन 2 पे इस वक्त कस्टम रेंज है, उसको मैं पोजीशन 1 पे लाना चाहता हूँ और पोजीशन 1 का सिलेक्टेड कैंडल पोजीशन 2 पे लाना चाहता हूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ये कैसे कर सकते हैं, पोजीशन 2 को यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर पोजीशन 1 को लगा लेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हमने क्या कर दिया है, इस वक्त ये वाला जो डेटा है वो यहाँ हो गया और ये वाला डेटा यहाँ हो गया, ये रेंज हो गया, ठीक है। पोजीशंस जो है इनकी वही है, पोजीशन 1 ये हो गई, ठीक है, ये पोजीशन 1 है, आप सबको पता है पोजीशन 1 का
कस्टम रेंज, ठीक है, और पोजीशन टू पे हमने डाल दिया सिलेक्टेड कैंडल को। तो हम अभी एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या ऐसा एक्चुअली हो रहा है। तो मैं अगर इस कैंडल पे क्लिक करूंगा तो ये वाला कैंडल जो है वो सिर्फ इस कैंडल के बारे में बताना चाहिए, देखो ये बता रहा है, और ये वाला जो है टोटल कस्टम रेंज बता रहा है, ठीक है। तो ये जो सेटिंग है ये आप इसलिए करोगे क्योंकि प्रोफाइल्स बहुत सारे, खाली ओआई के प्रोफाइल नहीं है, और भी प्रोफाइल है। अगर आपको कोई एक प्रोफाइल हटा के दूसरा प्रोफाइल लगाना है, समझो ODX प्रोफाइल लगाना है, रेंज प्रोफाइल लगाना है ODX का, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद विड्थ अभी जो है मीडियम है, इसको आप मैक्सिमम भी कर सकते हो, या आपको बहुत छोटी करनी है तो आप बहुत छोटी भी कर सकते हो, यानी कि मिनिमम विड्थ, ठीक है, मीडियम में आप यूज करेंगे या मिनिमम जो भी आपको यूज करना है आप वैसे कर सकते हो। फिर डेटा ड्यूरेशन, ये 5 days है, तो डेटा ड्यूरेशन बेसिकली क्या होता है कि कितना आप डेटा जो है पीछे तक जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लाइव कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप 7 days तक का देख सकते हो। 7 days में 2 दिन छुट्टी के भी इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि आप टोटल 5 days ओवरऑल देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे और कोई सेटिंग काम की नहीं है। तो ये सारा जो है सेटिंग्स जो है इस तरीके से यूज करना है। ये है कस्टम OI प्रोफाइल का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि OI प्रोफाइल का डेटा तो लैगिंग होता है, वॉट इफ आपको रियल टाइम डेटा, रियल लाइफ डेटा मिले एकदम उसी वक्त? OI का प्रोफाइल का डेटा तो 3 मिनट के बाद आ रहा है ना, अगर आपको लाइव डेटा मिलने लगे तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ट्यूटोरियल नंबर 2 जो कि है ODX प्रोफाइल। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।